नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगले 45 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो घटनाएँ होने वाली हैं उन्हें जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, कि दोस्तों वीडियो में बताई गई हर एक छोटी सी बात आप सभी के फायदे के लिए है। अगर आप इन्हें जान लेंगे तो दोस्तों आने वाले जीवन काल में ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके दुश्मन के पैर टूटने वाले हैं। यूँ कहें तो दोस्तों, जिस कार्य में दुश्मन आपको परेशान करते थे, जिस क्षेत्र में आपके कार्य को रोकने का प्रयास करते थे, और दोस्तों उस जगह अब आपके सभी दुश्मन खत्म होंगे और आपको पुनः लाभ की प्राप्ति यश मंत्राल में अगले 45 दिनों में देखने को मिलेंगे। जे दोस्तों आपको बता दें कि यश मंत्राल में जो राहु और केतु का प्रभाव है आपके दुश्मनों पर आग उगलता हुआ नजारा कर रहा है। जे दोस्तों, ग्रहों का यश संकेत है कि दुश्मनों के यश में दुखती नश पर लात यश में केतु रुखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनके साथ आपके घर में धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा। समाज में भी आपका मान सम्मान बनेगा और ग्रहों का यह शुभ संकेत आपको आने वाले भविष्य में भी बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। जो दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में आपके पिछले वर्षों के हुए सपने सच होंगे, जिन्हें लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, जिन्हें लेकर आप दिन रात एक करके मेहनत किया करते थे। जो दोस्तों यूँ कहें तो आपके जीवन काल के वे सभी समय या समय साबित होंगे जिनमें आप कार्य करना चाहते थे। जो दोस्तों, जो आप पिछले समय सोच रहे थे, जो दोस्तों हुए यश में आपके सपने सच होने वाले हैं। तो दोस्तों यश में आप अपनी तरफ से कोई भी भूल गलती ना करें, कि दोस्तों यश में ग्रहों की ऐसी शुभ स्थिति में अगर आप कोई गलती करते हैं तो दोस्तों इनका शुभ प्रभाव ही आपके राशि पर आपके जीवन काल पर पड़ेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन बस यही है कि वीडियो को भूल से भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अगले 45 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनमें आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको यश में लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही ग्रहों की बदलती चाल, आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार मिलने से आत्मिक और भावनात्मक रूप से आप अधिक सशक्त महसूस करेंगे, इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप सभी रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, आर्थिक रुकावटें भी यश में दूर होंगी। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मन में कुछ अनहोनी होने जैसी भय और उदासी रहेगी। अपने इस नकारात्मक व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, वरना ये व्यवहार आपको नुकसान करा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों की फिजूल बातों को नज़रअंदाज करें तथा स्वयं को व्यस्त रखें। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि मन में ताजगी और उत्साह होने की वजह से आप नए काम की शुरुआत करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो काम अभी तक अटके हुए थे उसको पूरा करने के प्रयत्न भी आपके द्वारा यश में किए जाएंगे। घर में सुख शांति बने रहने के लिए आप अपने प्रयत्न भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आध्यात्मिक बातों को नए सिरे से सीखने की रुचि भी यश में आपके अंदर फिर से जाग जाएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवस्थापूर्ण दिनचर्या भी आपके लिए रहने वाले हैं, परंतु सफलता मिलने से थकान हावी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को और अधिक निखारने का प्रयास करें, समाज में भी आपकी छवि और अधिक बढ़ेगी। आपको बता दें कि आय के संसाधनों में कुछ कमी भी यश में आ सकती है, परंतु दोस्तों खर्चे बरकरार रहेंगे। आपको बता दें कि दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते,
चचेरे बहन भाइयों से अपने संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। दोस्तों यह आपके लिए उत्तम शब्द होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि भूतकाल से संबंधित बातों को याद करके उनके द्वारा मिली सीख को यश में अपनाया जा सकता है और आप यश में जो है अधिक समय जो है आत्मपरीक्षण करने में भी लगाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने वर्ताव और लोगों का आपके प्रति वर्ताव दोनों के बारे में जागरूकता महसूस होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि समय की चाल आपके पक्ष में ही होगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय होगा। काफी लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बेहतर कार्य प्रणाली की वजह से लोगों के समक्ष आपकी प्रशंसा के आप पात्र भी बनेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि कुछ प्रतिद्वंदी भी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकारात्मक वातावरण भी उत्पन्न कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और अनुभवों को यश में आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी आपको बदलाव लाना जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके द्वारा कई बातों की वजह से मित्र परिवार में विवाद या फिर वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दोस्तों अपने शब्दों का जो है प्रयोग संभल कर ही करें, खासकर जब बात दूसरों से संबंधित हो। मन में आ रहे अलग अलग विचार के कारण यश में जो है एकाग्रता बनाए रखना आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों और निकट संबंधियों के साथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। आपको अवश्य नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। धन के निवेश पर भी अधिक ध्यान दें। दोस्तों यश में लाभदायक ग्रह गोचर चल रहा है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, तो दोस्तों अपनी इन कमियों का जो है सुधार करना आपके लिए जरूरी होगा। अपने किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी अवश्य ले लें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर काम से संबंधित बातों में प्रगति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी भावनात्मक बातों के बारे में अधिक जागरूकता भी यश में महसूस होगी, जिनके कारण खुद को बेहतरीन बनाने के लिए आपके प्रयत्न भी यश में बढ़ सकते हैं। दोस्तों जब बात मानसिक स्वास्थ्य की हो तो दोस्तों दूसरों की मदद लेना आपके लिए अवश्य होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में किसी खास इंसान की सलाह और मदद आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद और तरक्कीदायक साबित होगा। दोस्तों युवाओं को नौकरी संबंधी कोई बेहतरीन ऑफर भी यश में मिल सकता है। ऑफिस का माहौल भी कुछ तनावपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यावसायिक परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, परंतु अपनी व्यावसायिक संबंधी योजनाओं को किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। किसी भी ऑर्डर संबंधी सभी कार्यों में पक्के बिल का उपयोग करना आपके लिए इसमें बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे, सहकर्मियों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना आपके लिए आवश्यक होगा। इनसे दोस्तों जो भी सहकर्मी है मन लगाकर कार्य करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय अकेले ना लें, टीम वर्क बनाकर काम करना यश में आपके लिए उचित रहेगा। इससे दोस्तों व्यवसाय उत्तम रहेगी और नौकरी पेशा व्यक्ति किसी सरकारी मामले में भी यश में फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी नौकरी पेशा जातक है यश में आपको सावधान रहना अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों यश में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपके कार्यों में मन मुताबिक सफलता भी प्रदान करेगा। दोस्तों प्रोडक्शन संबंधी कार्यों में कुछ कमी भी आ सकती है। सरकारी स्वास्थ्य लोगों के ऊपर काम का बोझ भी यश में बढ़ सकता है, यानी यश में आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों इसका फायदा आपको बाद में जाकर मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके वैवाहिक जीवन की, तो दोस्तों यश में वैवाहिक जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगति आएगी तथा रोमांटिक माहौल भी यश में बनने वाले हैं।
इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, किसी निकट संबंधी के यहाँ जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। आपसी मेल जोल सबको खुशी और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि विवाहित संबंधों में कुछ समय से चल रहे तनाव को आपसी सामंजस्य द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। इससे दोस्तों संबंधों में सुधार आएगा, घर का वातावरण भी पुनः सुखद और मधुर हो जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने वैवाहिक जीवन को भी समय देंगे, जिसकी वजह से आपसी संबंधों तथा परिवार में भी मधुर तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों अंत में यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में किसी प्रकार की एलर्जी होने की स्थिति भी बन रही है। वर्तमान मौसम से अपना बचाव करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। तथा दोस्तों यश में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, ये आपके हेल्थ के लिए यश में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों शरीर में भी बढ़ती गर्मी तकलीफ का कारण बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, लापरवाही ना बरतें और दोस्तों यश में व्यायाम और योगा के लिए अपना समय जरूर निकालें। दोस्तों ये आपके हेल्थ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम की अधिकता की वजह से थकान और कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, बीच बीच में आपको इसमें आराम भी लेना चाहिए। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों गैस और एसिडिटी की परेशानी जिनको है, यश में उनकी परेशानी बढ़ सकती है। खान पान तथा दिनचर्या में अत्यधिक संयम रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो दोस्तों इन सभी बातों का ख्याल करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर साबित होंगे।